जो सनसनीखेज घटनाएं हैं उनमें कमी आई है। उधर कोटरा के आदर्श गांव अबेर में स्कूल में एक महीने के अंदर 4 बार चोरी का मामला सामने आया है। इस मामले में लेकिन आज तक भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। स्कूल के कंप्यूटर में स्कूल का पूरा डेटा लोड था, जिसके बाद अब फिलहाल काफी दिक्कत आ रही है। ये प्रकरण तो पंजीबद्ध है रिपोर्ट होने पर, लेकिन अभी चोरों का पता नहीं लग पाया है क्योंकि थोड़ा बिजी हो गए थे उसमें। चित्रकूट ड्यूटी से चले गए नहीं है, अब कल चले गए थे सपना सनसनीखेज मामले में। अब आज प्रकरण वो हो रहा है, 4 आदमी है हमारे निगाह में। बात तो सही है, इसमें कंप्यूटर में जो है मास्टरों का वेतन भी सब कुछ है, लेकिन ये हम दावा करते हैं कि चोरों का जल्दी पता लग जाएगा। उधर मंडला में उद्यानिकी फसलों के उत्पादन, खाद प्रसंस्करण और कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा चयनित कृषकों को तकनीकी कृषि की जानकारी देने के लिए वैज्ञानिक परिचर्चा और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, जिस कार्यशाला में किसानों को उन्नत खेती करने के लिए साथ ही शासकीय योजनाओं से लाभान्वित होने के लिए प्रेरित किया गया, जिससे कि किसानों की आय में बढ़ोतरी हो सके। जो परंपरागत खेती करते आ रहे हैं उससे हट करके कुछ